इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले से, जहां चुराटा थाना क्षेत्र के पड़िया मोड़ में युवक पर हुए प्राणघातक हमले के बाद मौत हो गई थी। पुलिस पंचनामा कार्यवाही कर ही रही थी कि आक्रोशित परिजनों ने शव लेकर अस्पताल चौराहा पहुंचे और जाम लगा दिया। इस दौरान एक ऑटो में भी तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि नितेश यादव नाम के युवक की लूट के इरादे से हत्या की गई थी, जिसके आरोपियों के नाम परिजनों ने पुलिस को बताया है, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जिसके चलते परिजन आक्रोशित थे। हालांकि मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल और नायब तहसीलदार ने परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत करा दिया है और शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ है। दिखाते हैं घटना की कुछ तस्वीरें और सुनाते हैं नायब तहसीलदार ने क्या जानकारी दी है। बॉडी लेके आए थे, बॉडी बहुत तोड़ फोड़ कर वीडियो बना रहे, वीडियो फोटो ले रहे हैं। कल रात में पड़िया मोड़ पर दुर्घटना घटित हुई थी, उसमें नितेश यादव की 20 वर्ष की उम्र बालक की लूट के हुई है, उसके साथ घटना हुई है। उसी के दौरान मारपीट के दौरान बालक के साथ हुई थी। बालक को संजय गांधी हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया था। सुबह उसका PM होना था, PM को ही के ही पूर्व परिजनों के द्वारा बॉडी हॉस्पिटल से ला करके या हॉस्पिटल चौराहे पर रख दी गई थी। परिजनों को आकर के प्रशासन के द्वारा समझाइश दी गई कि PM करा लें, उसके पश्चात ही अन्य जो कार्यवाही चल रही पुलिस के द्वारा, हाँ, आरोपी की तलाश पर TI चौराहा से बात हुई है, जहाँ पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जैसे होगा आरोपी की जल्दी से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने ऑटो पर तोड़फोड़ की है, हाँ, एक ऑटो को यहाँ पर क्षतिग्रस्त हालत में देखा गया है, ऑटो को अभी किनारे रख लिया गया है। ऑटो चालक द्वारा जैसे भी जानकारी दी जाएगी वैसे भी कार्यवाही आगे परिजनों ने यहाँ ला करके बॉडी हॉस्पिटल चौराहे पर रख दिया गया था। वो PM में हुई देरी को लेकर के नाराज थे, तो अभी बॉडी को वापस हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और PM की तैयारी की जा रही है वहाँ पर।